हेलो फ्रेंड, मेरे नू और आप सब कैसे हो फ्रेंड्स। तो ये देखिए, ये हमारा है कढ़ी पत्ता का प्लांट। देखिए कितना फ्रेश और हेल्दी है ये। देखिए बहुत ही हेल्दी है और फ्रेश है। और देखिए ये मेरा सीड भी बना रहा है। देखा, ये इसके सीड है। इसमें कितनी चींटियां हैं जो मेरे हाथ में लग गई। देखिए ये सीड है इसके, मैंने पहली बार देखा, मेरे प्लांट में पहली बार आया। ये 1 साल का प्लांट है फ्रेंड्स मेरा। मुझे कड़ी पत्ता बहुत पसंद है, इसको मीठी नीम भी कहते हैं। और ये काफ़ी अच्छा प्लांट होता है, आपके घर में ज़रूर लगाना चाहिए। ये बिल्कुल नीम की तरह ही काम करता है, बस वो कड़वी होती है और ये मीठी नीम होती है। इसको बघार लगाने में हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, कढ़ी बनाते हैं उसमें यूज़ करते हैं। ये बहुत ही अच्छा प्लांट है और आप लोग इसको ज़रूर लगाइए। ये कटिंग से भी ग्रो हो जाता है। थोड़ा सा मेरे गार्डन का ये शाम का व्यू है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, आप लोग देखिए। देखिए इस तरह से मैंने कुछ थोड़ी सी सेटिंग की है, मैं बाद में सेटिंग करूंगी। अभी मैंने इस तरह से सारे पॉट जो है मैंने लगा दिए हैं। आप देख सकते हैं कि देखिए बटरफ्लाई भी आ गई है, चली भी गई। तो इस तरह से कुछ मैंने अभी दो लड़के, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती फ्रेंड, मैंने बता चुकी हूँ। तो मैंने दो लड़के लगा के मैंने अपने प्लांट्स को थोड़ा सा सफाई करवाई छत पर, क्योंकि विंटर आने वाले हैं, उनकी हमें तैयारी करनी है। तो उसके लिए मैंने थोड़ी सी सेटिंग की। तो मैंने सारे वो जो भी उनके समझ में आया, उन्होंने इस तरह से मेरे सारे पॉट को रख दिया। अब मुझे इनकी केयर करनी पड़ेगी और मुझे समझ के सारे प्लांट लगाने पड़ेंगे। आप देख सकते हैं, तो हवा नहीं चल रही है, छत पे बड़ा सन्नाटा है और मगर उमस भी नहीं है। देखिए गुड़हल की पत्तियाँ पीली पड़ने लगी हैं, अब इनका सीज़न जा रहा है और अब इनके सीज़न चले जाएंगे फ्रेंड्स। तो अब ये फिर फरवरी से फिर अच्छी ग्रोथ करेंगे और फ्लावर देंगे। अभी ये आपको ये नवंबर तक ये फ्लावर देते रहेंगे। हमारे यहाँ मौसम जो है नवंबर तक ऐसे ही गर्म बना रहता है, सिर्फ रातें ठंडी होने लगती हैं। तो ये अभी मुझे अच्छे से फ्लावरिंग देंगे और बोगनवेलिया इस वक्त अच्छे से खिल रहे हैं। देखिए ये है हमारा खूबसूरत अरेलिया का प्लांट है, देखिए। और ये देखिए बोगनवेलिया काफ़ी अच्छे से खिल रहे हैं। उन्होंने सेटिंग मेरी काफ़ी गलत कर दी है और मुझे बहुत मेहनत लगने वाली है सारे प्लांट्स को अरेंज करने में। ये देखिए काफ़ी अच्छे से बोगनवेलिया खिल रही है। इसको बोगनवेलिया को मैं कटिंग करने वाली हूँ, क्योंकि मेरे प्लांट में कोई शेप नहीं है। आप देख सकते हैं चारों इधर उधर से पत्तियाँ निकली, मैंने इसको कटिंग कर दी थी, उसके बाद का ये हाल है। और मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, ये देखिए यहाँ पे भी बोगनवेलिया मेरी अच्छे से खिल रही है। ये देखिए तो खिल रही हैं काफ़ी, मगर ये है कि देखिए, ये देखिए वाइट हिबिस्किस खिल रहे हैं अच्छे से, काफ़ी कलीवर भी है इसमें। और मेरे पास ये वाइट पिंक कलर की बोगनवेलिया भी है, ये मुझे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। ये अभी स्टार्टिंग हुई है इसकी फ्लावर खिलना। अभी जब फ्लावर खिल चुकेंगे तो मैं इसकी प्रूनिंग करके छोड़ दूंगी फंगीसाइड पाउडर लगा के। हमारे गार्डन में गुलाब भी खिल रहे हैं मगर बस छोटे छोटे हैं। देखिए मुझे काफ़ी अरेंजमेंट करना पड़ेगा, उन्होंने ऐसे लगा के सारे इधर उधर पॉट फेंक दिए हैं। देखिए ये देखिए, ये आबरा का डाबरा है फ्रेंड, ये बहुत बड़े बड़े फ्लावर खिलते हैं, आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं। और ये देखिए एकदम फ्रेश फ्लावर खिला है, देखिए। तो सब इधर का उधर कर दिया है उन लोगों ने, मुझे सेटिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पर देख सकते हैं आप मेरा वेडिकेटेड चांदी है, इसकी भी रूटिंग बाउंड कर गई है फ्रेंड। इसको भी मुझे पॉट चेंज करना है, काफ़ी खूबसूरत प्लांट है आप देख सकते हैं और काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग ये करता है। अगर मैं बीच में रख के इसकी वीडियो बनाऊंगी तो बहुत ही खूबसूरत लुक आने वाला है। ये है हमारा जो हम लोग खास हर घर में होता है, ये चांदनी का प्लांट। इसके फ्लावर भी मुझे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं और इसकी भी देखिए, इधर मेरे सारे पॉट पड़े हैं। ये विंटर की तैयारी करना है मुझे, सारी मिट्टी चेंज करना है और काफ़ी मेहनत पड़ने वाली है मुझे। मेरे में नींबू में काफ़ी प्लांट में काफ़ी फूल फ्लावर आए थे जो सारे झड़ चुके हैं, बस ये मुझे एक ही नींबू दिख रहा है। 3 नींबू थे, मेरी बेटी तोड़ ले गई थी। ये है अपराजिता का प्लांट जिसको मैंने कटिंग कर दिया है।
और मैं इसको बहुत ज़्यादा वो हो गया था तो मैंने इसको कटिंग कर दिया है। और इसके ये सीड्स हैं, देखिए पक गए हैं, और भी सीड्स होंगे मैं दिखाऊंगी आपको। आप देख सकते हैं ये देसी गुलाब है हमारा, कितने अच्छे से खिल रहा है, देखिए कितना फ्रेश फ्लावर है ये भी। आप देखिए फ्रेंड, ये है हमारा आलमेंडा, देखिए कितने अच्छे से ये फ्लावरिंग कर रहा है, देख सकते हैं आप। मैंने इस पर वीडियो बनाई है और शेयर भी किया है। ये इसकी बर्ड्स है, काफ़ी फ्लावर हैं, देखिए बहुत से फ्लावर खिले हुए हैं चारों तरफ, इसमें फ्लावर ही फ्लावर हैं, इधर भी है, देखिए मैं आपको दूर से दिखाती हूँ, काफ़ी फ्लावर हैं इसमें, बहुत ही खूबसूरत लगता है। देखिए ये बर्ड्स है, कल खिल जाएगी, और इसके फ्लावर भी हैं, ये देखिए। इस वक्त मेरे गार्डन का लुक कुछ इस तरह से आ रहा है, मुझे काफ़ी सेटिंग करनी पड़ेगी। देखिए हमारे गार्डन में गुले अब्बास भी बहुत अच्छे से खिलने लगे हैं। आप मेरे गुले अब्बास पे 4 o'clock पे काफ़ी वीडियोस हैं मेरी, आप देख सकते हैं इसकी। ये शाम को खिलने लगते हैं, 4 बजे के बाद ये खिलने लगते हैं, 5 बजे 6 बजे तक, और काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। येलो भी है मेरे पास, मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए काफ़ी खूबसूरत प्लांट है ये, देखिए बहुत अच्छे लगते हैं, शाम को ये खिलते हैं और सुबह जैसे धूप निकलती है ये मुरझाने लगते हैं। मेरे पास कई प्लांट इसके लगे हैं और बहुत सी सीड्स रखी हैं मेरे पास इसकी, देख सकते हैं आप। देखिए एक येलो कलर का भी है मेरे पास, वो इस तरह से होता है। मेरी चांदनी में बहुत से फ्लावर आए थे और मैं उसकी वीडियो बनाना आपसे शेयर करना भूल गई, तो वो बस एक दिन ही रहते हैं, बड़ी खुशबू थी। मैं उस दिन आई, थोड़ा उस दिन गार्डन सेट हो रहा था तो मैंने ध्यान नहीं दिया। तो फ्रेंड्स चलते हैं, फिर मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स। ये देखिए ये है हमारा हिमेलिया, उधर भी देखिए रोज खिले हुए हैं। बाय फ्रेंड्स।